अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे बैच वाइज डिटेल क्या है, टेली में इस फीचर को कैसे इनेबल करते हैं, परचेज और सेल्स के वाउचर में आइटम्स को बैच वाइज कैसे रिकॉर्ड करें और बैच समरी कैसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमने अपने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की वीडियोस में आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम इसी के एक चैप्टर बैच वाइज डिटेल के बारे में समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैच वाइज डिटेल्स क्या होती हैं। आपने खाने पीने की वस्तुओं या फिर दवाइयों पर बैच नंबर लिखा देखा होगा। अब आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा कि ये क्या होता है और हो सकता है कुछ को पता ना हो, तो हम आपको बता देते हैं कि बैच का अर्थ होता है समूह या खेप यानी कि ग्रुप। तो बैच नंबर का अर्थ होगा किसी ग्रुप या किसी खेप को दिया जाने वाला नंबर। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक साबुन बनाने का कारखाना है जिसमें हम एक बार में कई वस्तुओं जैसे ऑयल, कास्टिक सोडा इत्यादि को एक साथ मिलाकर के साबुन तैयार करते हैं। तो इस तरह एक बार में यानी कि एक लॉट में हम जितने भी साबुन तैयार करेंगे उनकी पहचान के लिए उस लॉट को एक यूनिक नंबर दे देते हैं। बस ये यूनिक नंबर ही बैच नंबर के नाम से जाना जाता है। कई बार बैच नंबर को लॉट नंबर भी कहते हैं। इस बैच नंबर के साथ में उस बैच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स होती हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कब एक्सपायर होगा, इस बैच को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग किया गया है इत्यादि। चलिए अब देखते हैं कि इस बैच नंबर का क्या उपयोग है। बैच नंबर का मुख्य उपयोग ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, यानी जिनका उपयोग हम अपने लिए करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, खाने की चीजें जैसे पैक्ड फूड आइटम्स, शरीर पर लगाने वाली क्रीम, कॉस्मेटिक्स इत्यादि। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकते, यानी ये एक निश्चित अवधि के बाद खराब हो जाते हैं। इसलिए इन पर बैच नंबर के साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है, ताकि अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए यानी खराब हो जाए तो हम उसके इस्तेमाल से बच जाएं। इसके अलावा फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक और खरपतवार नाशक, यदि इन्हें भी हम खराब होने के बाद उपयोग करते हैं तो फसलों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन पर भी बैच नंबर या अन्य डिटेल्स लिखी होती हैं। इसका दूसरा फायदा यह है कि कभी किसी प्रोडक्ट में अगर कोई शिकायत आती है तो मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता बैच नंबर से अपने पूरे रिकॉर्ड को ट्रैक करके उसने जहां जहां ये प्रोडक्ट बेचा होता है वहां से उसे वापस मंगवा सकता है। साथ ही अपने रिकॉर्ड से ये जानकारी भी प्राप्त कर सकता है कि उसने इस बैच को बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग किया था या प्रोसेस में कहां गलती हुई है या फिर जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसकी क्वालिटी में कुछ मिस्टेक थी क्या जिसकी वजह से ये बैच बिगड़ गया। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन पर सिर्फ बैच नंबर ही होते हैं और कुछ पर बैच नंबर के साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है, जैसे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स। तो ये तो हमने आपको बताया कि इन डिटेल्स से सामान्य लोगों को यानी कंज्यूमर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को क्या फायदा है। अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यापारी को बैच नंबर से रिकॉर्ड रखने से क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है। जो प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के करीब है उसे डिस्काउंट प्राइस पर बेचने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। यदि प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है तो हम उसे बेच नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम उस एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सप्लायर को वापस कर सकते हैं या फिर उसे मुख्य व्यवसाय स्थान से ऐसी लोकेशन
जहाँ पर कि हम खराब माल रखते हैं वहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं, जिससे गलती से भी वो बेचने में न आए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टैली में बैच वाइज डिटेल्स कैसे मेंटेन की जाती है। इसके लिए हमने पहले से ही एक कंपनी रमन ट्रेडर्स के नाम से बना रखी है। इसमें हमने परचेज, सेल्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स इत्यादि के लेजर्स बना रखे हैं, साथ ही यूनिट्स भी बना रखी हैं। बैच वाइज डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें F11 की प्रेस करके कंपनी फीचर्स स्क्रीन पर जाना होगा। यहां हमें एक फीचर चालू करना होगा। उसके लिए पहले शो मोर फीचर्स को यस करेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और इनेबल बैचेस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही हम इसे यस करते हैं, इसके नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाता है। इसे भी यस कर देंगे और अब इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। हमने 1 जून 2022 को HCL फार्मेसी से यहां पर यह दिखाई दे रहे प्रोडक्ट खरीदे। तो चलिए अब हम परचेज वाउचर पर चलते हैं और इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाउचर की डेट टाइप करेंगे, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर और उसकी डेट टाइप करेंगे। यहां पर हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहां परचेज अकाउंट। अब हमें आइटम सिलेक्ट करना है। चूंकि ये आइटम बना हुआ नहीं है तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। नेम में टाइप करें क्रोसीन 250 mg, अंडर में प्राइमरी ही रहने दें। अब चूंकि हमारा दवाइयों का होलसेल का बिजनेस है, हम दवाइयां बॉक्सेस में खरीदते हैं और बॉक्सेस में ही बेच देते हैं, इसलिए यहां हमने एक ही यूनिट बॉक्सेस की बना रखी है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा बिजनेस रिटेल का होता तो हम बॉक्सेस, स्ट्रिप और टेबलेट्स तीनों की कंपाउंड यूनिट बनाकर यहां पर उसका उपयोग करते। कंपाउंड यूनिट कैसे बनाई जाती है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये हम आपको टेली प्राइम की वीडियो नंबर 53 में बता चुके हैं। अब एडिशनल डिटेल्स में हमें मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बात ध्यान रखें, अगर कंपनी फीचर्स स्क्रीन पर इनेबल बैचेस यस होने के बाद भी यहां पर यह ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो फिर आप यहां F12 की प्रेस करें और मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेस ऑप्शन को यस कर लें। हमारे यहां पर तो ये ऑलरेडी यस है, इसलिए हम वापस पीछे चलते हैं। अब हम इसे यस कर देते हैं। जैसे ही हम इसे यस करते हैं, इसके नीचे दो ऑप्शंस ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट्स और आ गए हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यदि हम यहां पर यस कर देते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हम इस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं। हम इसे यस कर रहे हैं। दूसरा है यूज एक्सपायरी डेट्स। यदि हम इसे यस करते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हम इस आइटम की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। हम इसे भी यस कर रहे हैं। अब हम इस आइटम को सेव कर लेते हैं। ये देखिए, स्क्रीन सेव करते ही स्टॉक आइटम एलोकेशंस स्क्रीन आ रही है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से परचेस बिल दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें क्रोसीन 250 mg के हमने 15 बॉक्सेस खरीदे हैं और ये माल दो अलग अलग बैच का आया है। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये जो स्टॉक आइटम एलोकेशन स्क्रीन आ रही है, इसमें यहां पर हमें लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में से इस आइटम का बैच नंबर सिलेक्ट करना है, पर चूंकि बैच नंबर पहले से बना हुआ नहीं है तो यहां हम न्यू नंबर पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर आइटम का बैच नंबर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर इस बैच में कितनी क्वांटिटी है वो टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर रेट टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट के नीचे
जून 2022 लिखा हुआ आ रहा है। जून 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये वाउचर जून में बना रहे हैं। हम इसे बदलकर बिल के अनुसार बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट टाइप कर देंगे और यहां पर एक्सपायरी डेट टाइप कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि आप यहां डेट की जगह पर डेज, मंथ्स या ईयर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां हमें 90 डेज लिखना है तो 90 लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 90 डेज आ गए हैं। यदि 6 मंथ्स चाहिए तो यहां पर 6 के साथ M लिख करके एंटर प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं 6 मंथ्स यहां पर आ गया है। और यदि 2 इयर्स चाहिए तो 2 के साथ Y लिख करके एंटर प्रेस कर दें। ये 2 इयर्स आ गया है। अब हम वापस डेट टाइप कर देते हैं क्योंकि हमको वही चाहिए। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, टैली फिर से बैच या लॉट नंबर डालने के लिए कह रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो माल परचेस करते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही बैच नंबर का प्रोडक्ट हो। एक ही प्रोडक्ट अलग अलग बैच नंबर्स के भी हो सकते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी अलग अलग हो सकती है। और जैसा कि आप इस बिल में देख रहे हैं, यहां पर भी ऐसा ही है। इसलिए हम फिर से न्यू नंबर पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहां पर हम दूसरा बैच नंबर टाइप करेंगे और फिर पहले बताए अनुसार सारी डिटेल्स टाइप कर देंगे। तो इस तरह हमने क्रोसीन 250 mg के 15 बॉक्स खरीदे हैं जिनकी बैचेस की डिटेल्स हमने यहां पर टाइप कर दी है। इनके अलावा ये आइटम हमने किसी और बैच का नहीं खरीदा है, इसलिए एंटर प्रेस करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम दूसरे आइटम पैरासिटामोल 500 mg को क्रिएट करके उसकी डिटेल भी इसी तरह से डाल देते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई और आइटम्स भी परचेस किए होते तो वो भी हम सिलेक्ट कर लेते, पर चूंकि हमने कोई और आइटम परचेस नहीं किया है इसलिए अब हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब हमने जो परचेस की है उसकी बैच वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि हमारे पास कौन सा माल, कितना स्टॉक है, इसकी रिपोर्ट तो हम स्टॉक समरी द्वारा देख सकते हैं। पर यदि हम स्टॉक रिपोर्ट को बैच वाइज डिटेल्स के अनुसार देखना चाहते हैं, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है, वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ताकि हम उसे एक्सपायर होने से पहले बेच सकें, तो उसके लिए हमें बैच समरी देखनी होगी। बैच समरी देखने के दो तरीके हैं। पहला, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, तो यहां से हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। अब यहां से इन्वेंटरी बुक्स पर जाएंगे और फिर बैच पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें नेम ऑफ आइटम में हमें इस लिस्ट में से वो आइटम सेलेक्ट करना है जिसकी हम बैच समरी देखना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्रोसीन 250 mg सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए आइटम सिलेक्ट करते ही लिस्ट ऑफ बैचेस आ रही है। इसमें हमें इस आइटम की जितनी भी बैचेस आई होंगी, चाहे उसका माल अब स्टॉक में हो या ना हो, पर उन सभी की डिटेल्स यहां पर दिखाई पड़ती है। अब इसमें से हम जिस बैच की और ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर देंगे। हम CRN 101 पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए इस आइटम की, इस बैच की सारी डिटेल्स यहां पर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इस बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है,
किससे माल परचेस किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेस किया है इत्यादि। यदि हमने इस बैच का आइटम किसी को सेल किया होता तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देती। इसके अलावा अब हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये भी दिखाई दे रहा है। अब यदि हम इस आइटम की सभी बैचेस की डिटेल्स एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ बैच वाइज पर क्लिक करेंगे या फिर F8 की प्रेस करेंगे। अब F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें जिन ऑप्शंस की जरूरत होगी उन्हें यस कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। ये देखिए अब हमें इस आइटम की सभी बैचेस की पूरी जानकारी दिखाई दे रही है। अब हम इस रिपोर्ट तक पहुंचने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। यदि हम टैली में कोई काम कर रहे हैं और ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो गो टू पर जाएं, फिर सर्च बार में टाइप करें बैच और यहां से बैच समरी पर चले जाएं। अब हम वापस पीछे चलते हैं। चलिए अब हम गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। अब हम एक सेल्स की एंट्री करके देख लेते हैं। हमने 2 जून सन 2022 को A1 मेडिकल स्टोर को क्रोसिन 250 mg के 8 बॉक्स और पैरासिटामोल 500 mg का 1 बॉक्स बेचा। तो चलिए इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, अब पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे, अब सेल्स लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब आइटम में पहले हम क्रोसिन 250 mg सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आइटम सिलेक्ट करते ही हमारे सामने बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहां हमें बैच सिलेक्ट करने से पहले ये देखना होगा कि कौन सा बैच पहले एक्सपायर हो रहा है। जो बैच पहले एक्सपायर हो रहा होगा हम उस बैच के आइटम को पहले बेचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं CRN222 नंबर वाली बैच 4 अगस्त को एक्सपायर हो रही है, इसलिए इसे हम पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्वांटिटी पर आ गए हैं। चूंकि हमें इस पार्टी को टोटल 8 बॉक्सेस सेल करना है, पर इससे पहले वाली स्क्रीन में हमने देखा था कि इस बैच में तो हमारे पास केवल 5 बॉक्सेस ही हैं, तो यहाँ क्वांटिटी में हम 5 टाइप करेंगे और यहां पर रेट टाइप कर देंगे। ये देखिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अपने आप आ रही है। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने फिर से बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहां पर ध्यान दें, हमने CRN222 के सारे बॉक्सेस सेल कर दिए हैं, पर अभी हमें 3 बॉक्सेस और चाहिए, तो इन्हें हम इस बैच में से सेल कर देते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और अब एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से पैरासिटामोल 500 mg को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स भी टाइप कर देंगे। अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। चलिए अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पहले पेजअप की प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे और अब आई प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं बिल में हमें आइटम के नीचे उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम एक और सेल्स बिल बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 सितंबर को A1 मेडिकल स्टोर को क्रोसिन 250 mg के 2 बॉक्सेस सेल किए। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे, अब हमें आइटम सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहां लिस्ट में हमें क्रोसिन 250 mg के 7 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारे स्टॉक में अभी इस आइटम के 7 बॉक्सेस बचे हुए हैं। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं
पर यहाँ पर देखें, इस आइटम का कोई बैच नंबर ही नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी कोई क्वांटिटी दिखाई दे रही है, जबकि अभी यह आइटम सिलेक्ट करते समय हमने देखा था कि हमारे पास क्रोसिन का स्टॉक है। तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्रोसिन 250 mg की जो बैच हमारे पास स्टॉक में है वो 1 सितंबर 2022 को ही एक्सपायर हो गई है, जबकि बिल हम बना रहे हैं 2 सितंबर को। इसलिए टैली ने इस बैच पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब हम इस बैच का आइटम सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपायर हो गया है। बैच वाइज डिटेल हमेशा हमें एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने से बचाती है, ताकि हम गलती से भी कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना बेच दें। अब हमारे पास क्रोसिन 250 mg के जो 7 बॉक्सेस हैं, उन्हें हमने जिस सप्लायर से खरीदा था उसे ही वापस कर देते हैं क्योंकि वे एक्सपायर हो गए हैं। तो चलिए अब हम इस परचेज रिटर्न की एंट्री टैली में कर लेते हैं। हम आपको टैली प्राइम की वीडियो नंबर 32 और 80 में बता चुके हैं कि परचेज रिटर्न यानी खरीदा हुआ माल किसी भी कारण से सप्लायर को अगर हम वापस करते हैं तो इसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। तो चलिए हम डेबिट नोट वाउचर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। डेट में हम 2 सितंबर ही रहने देंगे। यहां पर हम वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने ये माल खरीदा था। यहां ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हम जिस इनवॉइस का माल वापस कर रहे हैं उसका नंबर टाइप करेंगे और यहां पर उसकी डेट टाइप कर देंगे। अब परचेज रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब जो माल वापस कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने आइटम सिलेक्ट किया यहां पर भी पहले की तरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले बैकस्पेस की प्रेस करेंगे। अब F12 प्रेस करके नीचे जाकर यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स ऑप्शन को यस कर देंगे। इसे यस करने से टैली हमें एक्सपायर्ड आइटम्स की एंट्री करने की परमिशन दे देता है। ध्यान रखें ये एंट्री हम माल वापस करने के लिए कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब हमें एक्सपायर्ड बैच CRN 101 के 7 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। हम पूरे 7 बॉक्सेस ही रिटर्न कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े। यहां नरेशन टाइप करेंगे। अब इस वाउचर को सेव कर लेंगे। हमने एक्सपायर्ड माल वापस कर दिया है। अब हम फिर से F12 प्रेस करके यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स ऑप्शन को नो कर देते हैं, ताकि कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेचने में ना आ जाए। चलिए अब हम बैच समरी देख लेते हैं। यहां पर हम पूरे वर्ष का पीरियड ले रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने HCL फार्मेसी को जो माल वापस किया है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां क्लोजिंग स्टॉक में हमें 0 बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी अब हमारे पास इस एक्सपायर्ड बैच का कोई माल नहीं बचा है। इस तरह इस वीडियो में हमने आपको बैच वाइज डिटेल्स के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बैच वाइज स्टॉक आइटम्स का और सामान्य स्टॉक आइटम्स के एजिंग एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको बैच वाइज डिटेल्स विषय पर बनी हमारी ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स करके जरूर बताएं।